नमस्कार। दिन भर की छोटी बड़ी सभी खबरों को लेकर के मैं दीपक आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज की बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसके साथ ही साथ इस वीडियो को 10 मिनट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज दिन भर की वह तमाम बड़ी खबरें जो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है वह खबरों को लेकर के हम आपके समक्ष हाजिर हैं। जापान में तेजस्वी यादव ने न सिर्फ बुद्ध के बारे में बताया बल्कि हिंदुस्तान के बिहार के बारे में बताते हुए यहाँ पर्यटकों के तमाम विचारों और व्यवस्थाओं के बारे में बताया, जिससे बिहार को पर्यटक स्थल पर और मजबूती दिखाई दे सके। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे नरेंद्र मोदी के 2024 के चुनाव के मिशन को लेकर किस तरीके से हुई बड़ी तैयारी, और इसके साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री ने खुद को कैसे किया लोकसभा चुनाव के दौरान मजबूत। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव ने कर्पूरी ठाकुर और जी बिहार के पहले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हुए, और इस दौरान कांग्रेस की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव को सोने के मुकुट से सम्मानित किया गया। बड़ी खबर कांग्रेस की तरफ से आ रही है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 के चुनाव से पहले देश के अन्य 5 राज्यों में पार्टी की जीत के लिए सबसे बड़े परचम को लहराया, कहा देश के लोग आज ध्यान खुद पर केंद्रित किए हुए हैं। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे इंडियन रेलवे के कई अन्य व्यवस्थाओं के बारे में, और स्पेशल ट्रेनों के प्रचालन को लेकर के बिहार में छठ पूजा के महापर्व को लेकर के किस तरीके से इंडियन रेलवे ने अलॉट पर खुद को दिखाया। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे किस तरीके से आज देश के अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर देश की महिलाओं से लेकर के अन्य लोगों को भी घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों तक जाने के लिए सरकार का प्रयास जारी है। नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, ये मेरा कहना नहीं है, यह तमाम ऐसे जी आरजेडी नेताओं का भी कहना है। और इसके साथ ही साथ कई अन्य प्रकार की तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें नीतीश कुमार को पलटू नाम दिखाया जा रहा है। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे ना सिर्फ दिल्ली और पंजाब बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के हाथ पांव जहां जहां है वहां पर आम आदमी पार्टी खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने 2024 के चुनाव को लेकर के अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को किस तरीके से बदलना है वह बंगाल से भी सीखें, क्योंकि बंगाल का हालात कुछ इस तरीके से है। आज देश के अंदर होने वाले रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के देश की मोदी सरकार को लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। इस पर पूरी तरीके से विस्तार से हम जानकारी देंगे। आज की बड़ी खबरों में बताएंगे किस तरीके से सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नेताओं को डरो ना का नारा दिया। उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, आप देश के लोगों के लिए आगे बढ़कर जितना हो सके व्यवस्था करें। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे 30 सालों के बाद में इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेनों के प्रचालन को और भी तेजी से मजबूती मिलेगी, इकोनॉमी के हालात में इंडिया काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आज की बड़ी खबरों में बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश में किस तरीके से शिवराज की कुर्सी जाती दिखाई दे रही है, और शिवराज की कुर्सी जब जब खतरे में आई है तो बीजेपी के ऊपर भी संकट आया है। फटाफट और बड़ी खबरों में कई अन्य मुख्य खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी बताएंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तेज प्रताप यादव ने वन परिवहन विभाग को संभालते हुए उन्होंने कहा कि देश के लोगों के लिए हमने रोजगार का कार्य किया है, और ऐसे में देश के लोग हमें भुला नहीं सकते हैं, हमें वह अपने सीने में आज भी रखकर याद रखते हैं। अशोक गहलोत ने कहा राजस्थान में बड़े और महत्वपूर्ण इतिहास बनाने के लिए हम सभी को जाना गया। राजस्थान की धरती पर आने वाले वक्त में कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले अभी भी दोबारा से लिए जाएं, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में महंगाई ने लोगों को रुला रखा है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर के अनेक चीज़ें अब महंगी होती चली जा रही है। आज जी टमाटर से लेकर के तमाम चीज़ों की कीमत महंगी दिखाई दी। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे किस तरीके से आज एक बार फिर से सरकारों ने ऑफिस खोलने, इसके साथ साथ कंपनियों को लोन प्रोवाइड कराने के लिए एक बेहतर सब्सिडी प्रोवाइड की। इसके साथ बात करेंगे डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर के सोशल मीडिया पर आम आदमी का आक्रोश सामने आया। मोदी सरकार पर आक्रोश झाड़ते हुए लोगों ने कहा सरकार कब देगी दर्द पर ध्यान। आज की बड़ी खबरों में बात करेंगे मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए आपसी झड़प को लेकर के इस वक्त यहाँ छपरा में इंटरनेट को संपूर्ण तरीकों से बैन कर दिया गया है, अगले आदेश तक इंटरनेट को बैन किया गया है। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे दीपावली जैसे महापर्व को लेकर के किस तरीके से फेस्टिवलों के दौरान आपको जी नकली मिठाइयों से अवगत कराया जा रहा है, और नकली मिठाइयाँ आपको कैसे परेशान कर सकती हैं। बड़ी खबरें तो बात करेंगे कि अगर आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता कंप्यूटर तो अब टीचर को जेल भी जाना पड़ेगा। टीचर को जेल भेजने की नीतीश सरकार ने कवायद और
तेज कर दी है। बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज इंटरनेट को बैन करने जाने के पीछे का मकसद अफवाहों को गलत तरीकों से प्रेजेंट ना किया जाए। अफवाह के कारण यह छपरा का हालात बद से बदतर होते हैं, इससे पहले सरकार ने बड़ा आदेश दिया। आज की बड़ी खबरों में बात करेंगे बिहार के सुपरस्टारों और मनोरंजन की खबरों में जानेंगे कि सारी लाल यादव की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया और किस तरीके से इस फिल्म का हालात आज दिखाई दे रहा है। इन सभी छोटी बड़ी खबरों को जानने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिएगा और नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खबरें सामने निकल करके आ रही है इस वक्त, बिहार में 30 वर्षों के बाद में गरीबी का हालात नहीं रहेगा। ना सिर्फ बिहार बल्कि देश के अन्य हिस्से भी इससे जूझ रहे हैं, वो खत्म हो सकेंगे। देश में आज लगातार इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार कार्यरत है। मोदी सरकार ने बताया कि 30 सालों में हम कई देशों को निचले स्तर पर दाब करके आगे निकलेंगे, जिसके बाद में हमारी इकोनॉमी काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगी। और ऐसे में इकोनॉमी के हालात को मजबूत करने के साथ अगला आदेश देश के लिए होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में आने वाले वक्त के लिए कई अन्य बड़े निर्णय भी लिए जाने वाले हैं। खैर, इसके बारे में आपकी क्या अपील है ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपको लगता है कि 30 वर्षों में हिंदुस्तान के हालात को सचमुच एक नया राहत मिल सकेगा, एक नई ताकत मिल सकेगी, तो इसके बारे में जरूर बताइए। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नीतीश कुमार को लेकर के। 2024 की चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने कई अन्य बड़े निर्णय लिए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर नीतीश कुमार के निर्णय ने आज लोगों को चौंका दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों के माध्यम से नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, पर नीतीश कुमार ने भी यह साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी हमारे बेटा समान है, वादों को पूरा करना और वादों को महत्वपूर्ण तरीकों से सबके सामने रखना यह हमारी पहली प्राथमिकता होगी। नीतीश कुमार के दिए जाने वाले एक एक बयान से आप भी अवगत हैं। नीतीश कुमार पहले बीजेपी, फिर आरजेडी, फिर बीजेपी और उसके बाद में दोबारा से आरजेडी के साथ आने के बाद में फिलहाल मुख्यमंत्री हैं। और वह मुख्यमंत्री ही नहीं लेकिन बिहार को एक अच्छे शासन तौर तरीकों से चला भी रहे हैं। तो उम्मीद तो ऐसी ही की जा सकती है कि नीतीश कुमार आने वाले वक्त में बिहार की दिशा दशा कायाकल्प की स्थितियों को और बेहतर करने के लिए संभावित कदमों को उठाएंगे। जिस तरीके से उनके एक कदम संपूर्ण शराबबंदी के उठाए जाने से आज देश के लोगों के अंदर भी गट्स और ताकत। खबरें सामने निकलकर लालू प्रसाद यादव को लेकर क्या रही है। लालू प्रसाद यादव ने एक कांग्रेस के कार्यक्रम में जब पहुंचे थे तो उन्होंने भाजपा हटाओ का नारा दिया। ना सिर्फ भाजपा हटाओ का नारा दिया, उन्होंने अपने आप को वहां पर प्रेजेंट किया और बताया कि भारतीय जनता पार्टी जेल की सलाखों के पीछे लालू प्रसाद यादव के विचारों को कैद करना कैसे चाहती है। लालू प्रसाद यादव ने इन बातों को रखते वक्त इस बात का ख्याल किया कि देश के लोग उनके साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर अगर आपके लिए जानकारी बताई जाए तो लालू प्रसाद यादव को ना सिर्फ यहां बोलने का मौका मिला बल्कि वह सोने के मुकुट से सम्मानित भी किए गए, एक बड़े अतिथि के तौर पर उन्हें देखा गया। कांग्रेस के नेताओं ने लालू प्रसाद यादव को बिहार के अंदर सोने के मुकुट से नवाजा और इसके साथ सोने के मुकुट को पहना करके उन्हें सम्मानित किया। अब यह देखने वाला बात है कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल लोकसभा चुनाव में जेल से बाहर ही रह पाते हैं या चारा घोटाला मामले में सजा याचिका फिर से वो हो पाते हैं, यह देखने वाला वक्त। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, बिहार के छपरा में इंटरनेट बैन किए जाने के बाद में अफवाहों की खबरों पर सरकार की प्रतिबंध लगा दी गई है। सरकारों ने साफ तौर पर प्रतिबंध लगाते हुए किसी भी तरीके के अफवाह को फैलने से रोकने का पहला प्रयास किया है। सरकार की इस सराहनीय कदम से भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल रही है। फिलहाल सभी चीज़ें सम्मान है। हालांकि इस वीडियो में दिखाई गई फुटेज या इस वीडियो में दिखाया गया ये वीडियो छपरा का नहीं है, हम यह बातों की जानकारी आपको संपूर्ण तरीकों से बता देते हैं। यह एक विजुअल है जिस विजुअल के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मूर्ति के दौरान क्या कुछ हुआ। बड़ी खबर यह है कि बिहार के सुपरस्टार और जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा दिलों पर राज करने वाले खेसारी लाल यादव के फिल्म संघर्ष 2 ने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए। हालांकि नदिया के पार जैसे फिल्मों के रिकॉर्ड भी इस फिल्म ने तोड़ने का कार्य किया है। एक के बाद एक दोनों सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव बिहार को दो फिल्मों के साथ प्रेजेंट करते हैं, पहला हर हर गंगे और दूसरा संघर्ष 2। इन दोनों फिल्मों के हालात ने बिहार को सचमुच थिएटर में लाकर। बड़ी खबर तो ये है कि छठ पूजा जैसे महापर्व पर भी अब लोगों की चिंताएं बढ़ी है। सरकार के द्वारा महंगी चीज़ों को किए जाने से आज परेशान देश की जनता सरकार से सवाल पूछ रही है, पर सत्ताधारी सरकार मौन है,
वह कुछ बोलने से बच रही है, उसके पास किसी प्रकार का कोई जवाब ही नहीं है, वह बोले तो बोले क्या। ऐसे में सरकार आज चुप तरीकों से अपने कार्यों को करना जानती है, वह कार्यों कर लोगों को बताना भी जानते हैं कि किस तरीके से आज वह चुप हैं। हालांकि मुख्य तौर पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का भी बात है। लोगों ने छठ पूजा पर नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी इस बारे में अपील की कम से कम महंगी चीज़ों को कम किया जाए और इसके साथ अन्य चीज़ों पर भी सरकार के प्रतिबंध लगाए जाने की बात कहते नजर आए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद।